माय यूट्यूब चैनल। किसी ने कहा मैं सबसे ज्यादा परेशान अपनी वाइफ से हूँ, किसी ने कहा पति से हूँ, कोई कहता है भाई बहनों से परेशान हूँ, किसी के पड़ोसी उसे जीने नहीं देते, तो किसी का दोस्त ही दुश्मनों से बढ़कर होता है। कुल मिलाकर सभी किसी न किसी से तो दुखी है ही। और इसी वजह से एक कहावत बन गई, जिसे एक शायर ने कुछ इस तरह से लिखा है, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये कुछ वर्ड्स अपने आप में जिंदगी का बड़ा ही गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। मतलब इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के सदस्यों से या किसी रिश्तेदार से दुखी है, परेशान है। और ये बड़ी ही अजीब बात है, जब जिंदगी में हम बड़े परेशान हो जाते हैं और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार एक ही सवाल अपने आप से पूछते हैं, आखिर मुझे ही क्यों इतनी तकलीफें मिल रही हैं, वो भी अपने करीबी लोगों से, जबकि होना तो ये चाहिए था उनसे मुझे सिर्फ खुशियां और सुख मिलना चाहिए था। ये जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरा साथ देने के लिए बने थे, जो मेरे रिश्तेदार हैं, सिबलिंग्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त या पति पत्नी हैं, इन लोगों को तो आकर मेरी खुशियों में खुशियां भर देनी चाहिए थी या फिर मेरी जिंदगी आसान कर देनी चाहिए थी, पर ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। ये लोग तो उल्टा मेरी जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखा भी जाए तो परिवार बनाने का कॉन्सेप्ट भी यही था कि हम सभी अपने दुख और परेशानियां शेयर कर सकें, एक दूसरे का साथ दे सकें। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि सबसे ज्यादा परेशानियां करीबी लोग ही खड़ी करते हैं? कोई कारण तो जरूर होगा, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी बेमतलब नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ना ही कुछ एक्सीडेंटली होता है, पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है। एक्चुअली जो लोग हमारी जिंदगी में हमें लगता है डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल और कंडीशनल। ये सभी कारण हमें अच्छे से समझ आते हैं। कई बार दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले इंसान खुद अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरे होते हैं कि वो परेशान होकर दूसरों के लिए रूढ़ हो जाते हैं और टिट फॉर टैट करने के चक्कर में सभी के साथ बैड बिहेवियर करने लग जाते हैं। और किसी की ईगो इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार वो लालची और सेल्फिश इतने ज्यादा होते हैं कि उसे अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता और इन सब आदतों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो दूसरों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो अपनी नजर में बिल्कुल सही होते हैं। अब क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं एडजस्ट तो जरूर करना पड़ेगा, पर इन सभी कारणों के अलावा कुछ स्पिरिचुअल कारण भी होते हैं, उनकी समझ होना भी उतना ही जरूरी होता है लाइफ को स्मूथली जीने के लिए। पर अक्सर हम स्पिरिचुअल कारणों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और बस फिजिकल वर्ल्ड में ही कारण ढूंढने में लगे रहते हैं। और एक खास बात, हमें प्रॉब्लम सबसे नहीं होती, कुछ ही 2, 4, 10 लोगों से होती है और बार बार उन्हीं लोगों से होती है। वही सेम लोग हमें बार बार ट्रिगर करने आ जाते हैं, पर क्यों? क्या दुश्मनी है उनकी और हमारी? ऐसे ही देखने से तो कुछ नहीं दिखता, बस बड़ा कारण भी नहीं होता, पर क्योंकि ये लोग जो आज हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ पहले से ही कार्मिक रिलेशंस में बंधे होते हैं, पहले से मतलब प्रीवियस बर्थ से, इनके हमारे साथ कुछ अकाउंट्स बैलेंस होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं और इस सबसे मुक्ति पाने के लिए इन्हें चुकाना जरूरी भी होता है। भले ही हम इनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर ले, ये बुरा ही करेंगे, ये पक्का है। हमें लगता है कि ये लोग हमारे साथ ही बुरा क्यों करते हैं, हमें दुख क्यों दे रहे हैं, और लोगों के साथ तो इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है। जबकि अगर इन परेशान करने वाले लोगों से पूछा जाए तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब फिर से सवाल वही आ जाता है कि अगर हमारे अपने ही हमें सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम खुद उनसे इतनी ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि चाह कर भी उनके साथ बुरा नहीं कर पाते। तो अब हमें क्या करना है? पहला काम, उनकी बातों को रिएक्ट ना करके
बस एक ऑब्जर्वर की तरह। देखें, अगर हम इनसे शिकायतें ही करते रहेंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो और ज्यादा रिजिड होते चले जाएंगे। हमें ब्लेम करने वाले माइंडसेट से बाहर आकर उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपने अंदर जो फियर है, डार्कनेस है, उसे भी ऑब्जर्व करना है। ध्यान से देखें कि मुझे उनसे उनकी कौन सी बात डराती है, उसे फेस करिए। जिसको मेरे ये करीबी लोग बार बार नॉक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उस डर से भागने के बजाय फेस करना स्टार्ट करना है। और ये भी समझ जाना है कि अब हमें उस फियर से बाहर आ जाना चाहिए। ये फियर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डिफेमेशन वगैरह। ये जो हमारे कार्मिक पार्टनर्स होते हैं ना, जिनके साथ हमारा कुछ पिछला बैलेंस होता है, चाहे वो भाई बहन के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, बच्चों के या पार्टनर्स के रूप में, किसी भी रिलेशनशिप में हो, जब ये लोग हमारे साथ किसी रिश्ते में बंध जाते हैं, तब हमें ये लाइफ के बड़े लेसन सिखाते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू। तो बजाय इनसे परेशान होने के, इनकी सोच से ऊपर उठकर बस इन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखना है। सोचे, क्या मैंने भी इनके साथ ऐसा ही किया होगा? शायद हाँ। करके देखें, दिल को बड़ा आराम मिलेगा और इन लोगों से जो हमारी शिकायतें हैं वो भी काफी कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप इनसे इफेक्टिवली डील नहीं करेंगे तो ये आपको बार बार नॉक करते ही रहेंगे। तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं जब हम अपने फियर और चिंताओं से बाहर निकलेंगे। और इसका एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है, आप अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखें। साइकोलॉजिकली भी यही सॉल्यूशन दिया जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने दुनिया जीत ली। अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो लोग भी हमें आसानी से परेशान नहीं कर पाएंगे। उनके लिए भी ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। आज की वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड ट्राई टू ऑब्जर्व योर कार्मिक पार्टनर्स। बाय बाय।